हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यार, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं 162V का ब्लूटूथ वेरिएंट, यानी कि टॉप वेरिएंट, जो कि 162V का मैंने अभी तक इसका रिव्यू नहीं किया था। सबसे पहले चीज़ यार, रिव्यू से शुरू करूँगा। इस बाइक का जो कलर ऑप्शन है ना, वो आपको बहुत प्रीमियम देखने को मिला है। ये जो कलर ऑप्शन है, मुझे अब तक की जितनी भी 162V आई है इंडियन मार्केट में, जो भी चेंज हुआ है कलर ऑप्शन में, ये आपको बेस्ट कलर ऑप्शन देखने को मिला है। मुझे तो भाई बेस्ट लगा। बाकी आप बताना कि आपको ये नया वाला जो ग्रे कलर ऑप्शन है कैसा लगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में आप इसको खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, कि आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। ऑब्वियस बात है भाई, कोई चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि अपने पास बजट कितना है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,25,000, 1,25,000 रुपये के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड आरटीओ में, सॉरी स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्ज से फ़र्क होता है। ये आपको ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,52,000, 1,51,000 से 1,52,000 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए रिव्यू में आते हैं। सबसे पहले आते हैं फ्रंट में। देख पा रहे हो, फ्रंट में आपको बाइक में जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छे सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ किए गए, जो कि बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। बहुत अच्छे जो सस्पेंशन है यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ब्रेकिंग में आपको बताना चाहूँगा, इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। जी हाँ, ABS है, जो कि सिंगल चैनल ABS यहाँ पे यूज़ किया गया। टायर साइज़ के बारे में बात करें, तो फ्रंट में आपको बाइक में 90-90-90-90 के जो टायर है, वो फ्रंट में देखने को मिलेंगे। और ये जो ब्रेकिंग प्लेट्स है, आपको बता दूँ, ये 270mm की, जहाँ 270mm की जो प्लेट है बाइक में यूज़ की गई है फ्रंट में। इस बाइक में काफ़ी अच्छी जो प्लेट है यहाँ पे दी गई है, सुपर मोटो ABS, यानी कि सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को जनरली मैंने देखा है सुपर मोटो ABS ही कहा जाता है। तो ये दोस्तों फ्रंट हो गया। कुछ बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक्स के बारे में, तो ग्राफिक्स आपको बताना चाहूँगा, पहले जो ग्रे आती थी ना, उसमें आपको ये जो येलो वाले ग्राफिक है वो देखने को नहीं मिलते थे, बट इस बार आप लोगों को इसमें ये नया येलो ग्राफिक देखने को मिला है। तो ये जो है ग्रे कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। हालांकि अगर आप लोगों को वीडियो में उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार आप शोरूम विजिट करके ज़रूर देखना भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये जो फ्रंट्स आप सामने से देखेंगे ना, आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इंजन टाइप में इस बाइक में आपको जो इंजन देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है आप लोगों को 159.7 cc का SI4-stroke एयर कूल जो इंजन है, वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें पावर के बारे में, तो मैक्सिमम पावर में इसमें आपको अराउंड 16.04 के आसपास की PS पावर है, जो कि 8,750 RPM में पावर जनरेट करती है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 13.85 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 7,000 RPM में पावर जनरेट करता है। मतलब कि आपको बाइक में पावर इंजन जो टॉर्क है, वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है यूज़ की गई है। नो डाउट भाई, 162V के हिसाब से काफ़ी बढ़िया पावर आपको बाइक में मिल रही है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको FI देखने को मिलता है, फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम में एयर कूलिंग इंजन आपको बाइक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस बाइक में दोस्तों बताना चाहूँगा, 1 नंबर ऑफ सिलेंडर देखने को मिलते हैं, BS6 नॉर्म्स के साथ में आती है। बोर साइज 62mm की है, स्ट्रोक साइज 52.9mm के आसपास की मिल जाती है। नंबर ऑफ़ 2 वॉल्वो इंजन आपको बाइक पे मिलेगा, साथ में 5 गियर के साथ में आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। जी, नंबर ऑफ़ 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है, प्लस बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टी प्लेट जो क्लच है, वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। सो ये तो दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि बाइक में आपको बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छा सा जो इंजन है वो देखने को मिल रहा है। और भाई, TVS का जो इंजन है, इन्होंने इस बार काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी लाया है। बाइक की जो परफॉर्मेंस है, वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक की माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। यार, माइलेज में ये बाइक आपको काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल कर देगी। देखिए, TVS वालों का कहना है कि ये बाइक अराउंड 42-45 के आसपास का जो माइलेज है, इसलिए निकाल कर देती है। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल पे, हर किसी के राइड करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। बात कर लें टॉप स्पीड के बारे में, तो 110 km/h के आसपास की टॉप स्पीड आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप लोगों ने इस बाइक को राइड किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक की फ्रंट लाइट्स के बारे में। अरे यहाँ पे एक छोटी सी इशू है कि भाई इसकी जो की है बाइक की वो नहीं मिल रही है, तो यार मैं ऑन करके तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दूसरी RTR दिखा दूंगा जो कि 2V का बेस मॉडल है, मतलब वही बिना ब्लूटूथ वाला। बाकी लाइट तो आपको सेम देखने को मिलती है, लाइट में आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको मैं वेरिएंट दिखा देता हूँ, साथ में उसकी लाइट्स दिखा देता हूँ, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है उसकी लाइट्स में, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को बाइक में फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले LED डियर लाइट देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मेन लाइट में आप देख पा रहे हैं बाइक में आप लोगों को फुली LED सेटअप में लाइट जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। नो डाउट बाइक की जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूज़ की गई है, और लाइट की जो विजिबिलिटी है वो भी आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी जो यहाँ पे विजिबिलिटी इस बाइक में मिल जाती है। बाकी आपको लाइट कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। टर्न सिग्नल ऐप जो है वो भी आपको इसमें जो है बल्ब देखने को मिल जाते हैं, और मैं आपके डायरेक्ट साथ में टेल लाइट भी दिखा देता हूँ। टेल लाइट में आप लोगों को बाइक में फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलता है। टेल लाइट भी इस बार चेंज की गई है, इस बार की जो टेल लाइट है पुरानी वाली की कंपेरिजन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। साथ में इसका स्पीडोमीटर भी दिखा देता हूँ, तो भाई उसमें की नहीं है वो वाली में, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा स्पीडोमीटर। तो आप 164V का जो है वो देख लीजिए स्पीडोमीटर, इसको इसमें और इसमें बहुत कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एकदम सिमिलर है। बस ये है कि गियर इंडिकेटर उस वाली में शायद नहीं मिलता, बाकी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिससे वो सेम है, जैसे कि स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, अर्बन मोड, मोड्स है, अर्बन, रेन, स्पोर्ट, नंबर ऑफ 3 मोड्स भी मिलते हैं। जैसे आपको पता है बीती वाला मॉडल है तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसको वहीं पर मिलेगा, दो स्विचेस दिए आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्पीडोमीटर जो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल जाएगा। बात करें इस और एक चीज़, जो ब्लूटूथ वेरिएंट नहीं है इसमें आपको जो स्पीडोमीटर मिलता है पीछे का वो आपको येलो मिलेगा, बट ये ब्लूटूथ वेरिएंट तो इसमें आप लोगों को ये वाइट देखने को मिल जाता है, भी एक फ़र्क है। स्विचेस में ये पास है, स्लो वैम, टर्न सिग्नल है, हॉर्न का स्विच है, राइट हैंड साइड इंजन के स्विच, सेल्फ का स्विच, मोड का स्विच आपको बाइक में मिल जाता है, ठीक है। यार मैं भी ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता, बट उसमें की नहीं है और भाई की मिल नहीं रही है, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया, नहीं तो मैं आपको ज़रूर उसका की वाला जो वेरिएंट है दिखा देता। बात कर लेते हैं अब इसके डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो है अराउंड 2085 mm की, ओवरऑल वेट है अराउंड 730 mm की, बाइक की जो ओवरऑल हाइट है 1105 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm की, व्हील बेस है 1300 mm का, प्लस कर्व वेट है 138 kg का, प्लस फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें 12 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू TVS Apache RTR 162V के ब्लूटूथ वेरिएंट का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। नो डाउट बाइक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये कलर ऑप्शन जो है आप ज़रूर देखना एक बार सामने से, आपको समझ में आएगा तब, क्योंकि वीडियो में भाई उतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता जितना हमें सामने से आता है। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।